अस्सलामुअलैकुम, हेलो वीवर्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बनाएंगे बेबी कॉर्न। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही चटपटा। आप इसे शाम के टाइम में जब भी दिल करे आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 500 ग्राम बेबी कॉर्न लिया है। आज हम लोग बेबी कॉर्न बनाएंगे। तो ये देखें, ये इस तरीके का है। तो इसे हमें बीच से कट लगा लेना है ताकि ये अच्छी तरीके से गल पाए। इस तरीके से इसे बीच से कट कर लेना। ये लंबा है तो यहां से भी हमें इस तरीके से इसे चार पीस में कट कर लेना है। तो इसी तरीके से हम सारे कर लेते हैं। तो देखें, हमने सारे बेबी कॉर्न को कट कर लिया इस तरीके से। अब इसे हमें बॉईल करना है। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है और इसमें पानी डाला है। पहले से भी हमने बेबी कॉर्न को अच्छी तरीके से धो लिया था। अब इसमें बेबी कॉर्न को डाल देना है और इसमें एक चम्मच नमक डाल के इसे हमें बॉईल करना है 5 से 6 मिनट के लिए। हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, फिर बाद में हम इसे फ्राई करते समय इसे पकाएंगे। अब इसमें देखिए नमक डाल देते हैं। तो चूल्हे के फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और पैन को रख दिया है बेबी कॉर्न को उबलने के लिए। इसे ढक देते हैं और इसे 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करते हैं हाई फ्लेम पे। तो देखें, बेबी कॉर्न को हमने उबाल लिया और इसे अच्छी तरीके से छान लिया। इसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ ले, नहीं तो इसे फ्राई करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब इसमें एक छोटा चम्मच नमक और काली मिर्च इसे डाल देना है और इसमें अदरक एक चम्मच, लहसुन 2 से 3 चम्मच, इसमें मैदा डालेंगे 3 चम्मच। इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अब इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथ से। तो देखिए, ये थोड़ा ड्राई है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेना है ताकि इस पर कॉर्नफ्लोर, मैदा, ये सब का कोटिंग अच्छे से चढ़ जाए, इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। अब इसे हमें फ्राई करना है। तो देखें, हमने कढ़ाई रखा है, उसमें ऑयल डाला है और पहले से ही हमने चूल्हे के फ्लेम को ऑन कर लिया था। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तब एक एक पीस को डाल के इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़े का बनता है बेबी कॉर्न और बहुत ही हेल्दी भी होता है। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। तो देखें, इसे चलाते रहना है, पलट देना है एक साइड से। अभी ये कच्चा है, अभी ये फ्राई से नहीं हुआ है। इसे फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है। इसे हमें डीप फ्राई करना है। तो इसे अब निकाल लेते हैं और एक बार और इसे फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत ही क्रंची बने। ये क्रंची ही खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से हम सारे फ्राई कर लेते हैं, फिर सबको मिला के एक बार साथ में इसे दोबारा से फ्राई कर लेना है। तो ये हो चुका है। अब इसमें जो हमने पहले फ्राई करके रखा था उसे डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट इसे और हम फ्राई करेंगे। तो अब ये फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे हमें निकाल लेना है। बेबी कॉर्न में हमने हल्का कोटिंग डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि ये इसका जो ओरिजिनल होता है वही बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में। तो इसे हम ज़्यादा मैदे कॉर्नफ्लोर से कोट नहीं किया है। इसी तरीके का ये खाने में बहुत ही जूसी और क्रंची मीठापन इसमें होता है। तो आइए अब इसके दूसरे स्टेप पर चलते हैं। इसी कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है और ऑयल निकाल लिया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ प्याज, ये हरी मिर्च, इसे डाल देना है और इसे हल्का सा सौते करेंगे। चॉप किए हुए अदरक लहसुन को हमने हल्का सा इसे फ्राई कर लिया। अब इसमें प्याज को डाल देना है और इसे भी
एक से डेढ़ मिनट फ्राई करेंगे। तो एक डेढ़ मिनट हो चुका है, अब इसमें शिमला मिर्च इसे डाल देना है और इसे भी फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन रॉ स्मेल अच्छी से निकल जाए। तो प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें एक चम्मच मिर्च, रेड चिली पाउडर और एक छोटा चम्मच नमक। नमक हमें इसमें ध्यान से डालना है क्योंकि इसमें विनेगर, सोया सॉस ये सब भी डालेंगे तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही नमक रहता है, तो यहाँ पे नमक थोड़ा कम डालें। अब इसमें एक चम्मच टमाटर केचप डाल देंगे और एक चम्मच सिरका यानी कि विनेगर, और एक चम्मच सोया सॉस, इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं अगर आपको कलर चाहिए तो। एक चम्मच इसमें शुगर ऐड करेंगे, एक चम्मच इसमें रेड चिली सॉस इसे डाल देंगे, डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे। एक से डेढ़ मिनट इसे पका लेना है। अब यहाँ पे हम कॉर्नफ्लोर का घोल बना के रखा है, दो चम्मच इसे डाल देना है और इसे अच्छे से चलाते रहना है, ये ठीक हो जाएगा, चलाते रहना, नहीं तो इसमें लंग्स पड़ सकते हैं। कॉर्नफ्लोर को डालने के बाद इसे पका लेना है, तब तक कि इसका कच्चापन निकल न जाए हमें इसे चलाते रहना है एक से दो मिनट के लिए। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, तो आइए अब इसमें बेबी कॉर्न डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त, सभी इसे बहुत ही शौक से खाते हैं, बड़े बच्चे बूढ़े सभी, और ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाह, तो देखें हमारा बेबी कॉर्न रेडी हो चुका है, बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा, बहुत आसान सी रेसिपी, झटपट से ये बन गया, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन, इससे हम इसे गार्निश कर लेते हैं, इससे इसका फ्लेवर और भी बहुत ही मज़े का होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, फैमिली दोस्तों में सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।